आज सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारा जो कोहरा है वो पहाड़ों पर फैला हुआ है और उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है, और खूबसूरती के साथ साथ इस ब्लॉग की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम इस खूबसूरत से मौसम के साथ। जो मॉर्निंग का अभी मौसम है वो कुछ इस टाइप का हो रहा है, और ऊपर आप देखिए जो हमारे ईष्ट देव हैं कालीनाग, उनके ऊपर भी कितना सुंदर सा मतलब जो सीन वहाँ का बना हुआ है। वहाँ सामने से ना जहाँ मैंने पॉइंट किया हुआ है वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, और आजकल मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कुमाऊनी में मतलब प्रार्थनाएं होती है और देशभक्ति गाने वगैरह, और ये देखकर ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो अभी के टाइम में नए टीचर आए हैं ना उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। और ये है वो स्कूल, अभी बजे हैं 9, तो वहाँ पर स्टार्ट हो रखी है प्रेयर, जो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा सुनाई भी दे रही होगी। और स्कूल थोड़ा दूर है तो थोड़ा सा मैंने जूम करके इसको दिखा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो चल रही है प्रेयर, और अभी थोड़ा सा धूप आ रखी है, और इस धूप में मेरे को सुखाने हैं थोड़ा सा भर, तो मैं वो सुखा लेती हूँ। ये है हमारी लाली जो अभी पूंछ हिला हिला के यहाँ पर घास खा रही है, और इधर है इसका बछड़ा, और यहाँ ऊपर वाले आंगन में ना मम्मी ने सुखा रखा है गाजू, जो आजकल हरी घास काट कर सुखाई जाती है विंटर के टाइम के लिए। ये है हमारा नीचे का आंगन जहाँ पर हमने सुखा रखे हैं जो मूंग होती है या फिर जो उड़द दाल होती है, मिक्स है दोनों, और ये आज सूख गए हैं तो इनको शाम को चूटा जाएगा यहाँ पर, मतलब इनके दाने से अलग किए जाएंगे। आज मूंग के दाने अलग करने थे, और देखो मौसम कैसा हो चुका है, दिन से बारिश होने का हो गया है, धूप भी थी पहले, कोहरा भी था, और अब देखो कैसा हो चुका है मौसम पूरा, और तूफान भी है। तो आज के मौसम में ना सब कुछ है, सुबह सुबह आपने देखा था कोहरा है, और उसके बाद फिर धूप भी आ गई थी, थोड़ा अनाज उनाज बाहर सुखाया था, फिर बारिश भी हुई, और अब ऐसे तूफान है। जो हमारे केले के पेड़ हैं वो सारे मतलब इधर उधर हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मैं आपको मतलब बता नहीं सकते हूँ यहाँ पर, कि सारे जो पेड़ हैं इधर उधर मतलब तहस नहस होने वाला है थोड़ी देर में ही यहाँ पर सब कुछ। और ये आ रही है मम्मी यहाँ पर, मैं तो वीडियो बना रही हूँ यहाँ से, थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसमें तूफान में। और ये देखो सबसे बड़ा जो मतलब केले का वो लगा हुआ है, ये बाहर से मतलब ये डर लगे कहीं टूट ना जाए ये, और इसी के बगल में एक दूसरा ये है, ये दोनों मतलब कब गिरेंगे कोई पता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा भार हुआ है, तो पेड़ तो इनका पूरा तिरछा हो चुका है। अब ये जो केले की ब्रांच आपको दिख रही है ना, ये तो बस ऐसा है कि अभी टूट ही जाएगी अब, लेकिन अभी तक तो अटके रखे, उसका पेड़ भी देखो पूरा तिरछा हो चुका है पूरी तरीके से, पता नहीं कब गिर जाएगी नीचे अब। और वैसे भी अगर गिर भी जाएगी तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हमने पकाने के लिए डालना है अगर पक गई तो। तूफान तो आज का ऐसा है मतलब देख ही सकते हो आप वीडियो में, कि क्या कहूँ मैं अब इसके बारे में, इतनी डर भी लगती है इस तूफान में ना। और सारे बर्तन अभी हमारे गमले और जो ये फूल थे केले के पेड़ मतलब सारे इतने तहर, कुछ तो टूट ही गए हैं देख सकते हैं आज हमारा कितना नुकसान हो गया है, पूरी छत से पूरे फट उड़ गए हैं, हमारे जो गाजर था घास वो भी उड़ गई है, थोड़ी थोड़ी सी इकट्ठी करके हम लोगों ने वहां रख दी है, जो काले भट्ट चूटे थे वो भी उड़ गए हैं हमारे सारे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अभी भी इतनी हवा चल रही है ना, बहुत सारे केले के पेड़ हैं जो अभी बिल्कुल कुछ तो ढहने के लिए तैयार हो रुके हैं, कुछ ढह ही गए हैं, जिनमें केले नहीं आए थे वो भी ढह गए हैं। और अभी हो ना मैं ये ऊपर वाले घर के वहाँ पर, तो जो वहाँ के केले के पेड़ हैं वहाँ भी मतलब मैं देखने के लिए गई हूँ कि कहीं टूटे तो नहीं है, तो वहाँ भी मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है। अभी देख सकते हो अब इतना ठंडा हो रहा है ना मौसम, मतलब बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं, गमले हवा से उड़ यहाँ चले से गए थे गमले नीचे, भी तो इस इनको तूफान ने उड़ा के ऐसे नीचे ताकि पहुंचा ये दिए सेफ हैं। रह जाए बचाए ना। 2 बजे के बाद मौसम यहाँ देखो कैसा हो चुका है, हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी है, और जल्दीबाजी में सारा काम निपटा है मम्मी लोगों ने अभी, और हवा बहुत चल रही है, थोड़ी थोड़ी करके अभी चल रही है, थोड़ी देर में बहुत तेज होती जाएगी, तो
तो जैसे कि मेरे मेरे बालों से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी हवा चल रही होगी यहाँ। अभी देख सकते हो अब इतना ठंडा हो रहा है ना मौसम, मतलब बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं। बहुत दिनों बाद हमारे वहाँ बैठने के लिए आ रखे हैं असौज के महीने में, क्योंकि इसलिए क्योंकि बारिश हो गई है। बारिश नहीं होती तो ये नहीं आती, और इनके साथ भी वही फॉर्मूला आजमाया जाएगा कि अंदर आएंगे तो माचिस को छू के आएंगे ताकि भूत पीछे हंस निकटना आए। पहले जलाने दो मुझे। तो इससे भी इनके साथ लगे हुए जो भी गण होंगे वो सारे भाग जाएंगे। तो बाहर की हवा में इतना इतनी ठंडक थी ना, और मुझे अंदर आना ही पड़ा। मतलब ब्लॉग की शूटिंग में ज्यादा नहीं कर पाई, और जैसे ही अंदर आई ना तो मम्मी ने बोला कि बच्चे को टच करने से पहले माचिस जला के उसको मतलब आग को टच कर लेना। तो मैंने अपनी जेब में माचिस रखी हुई थी कि मैं अंदर आऊंगी तो इसको जला के इसको टच कर लूंगी। तो जैसे ये मैंने जला दिए तो इसको खाली ऐसे 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 टच करके फेंकना पड़ता है, क्योंकि जैसे बाहर हो ना हवा में अभी, तो गाँव में ऐसी मान्यता है कि अगर हम आग को टच करके किसी के पास जाते हैं तो वही की भूत पिशाच निकट नहीं आवे इसीलिए। और अब आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलती हूँ आपसे एक नई ब्लॉग में कुछ नई चीज़ें लेके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।